Supreme Court of Pakistan, Islamabad, की ने आर्डर किया था 7 दिसंबर 2018 को कि डॉक्टर भगवान दास और उनके अपोनेंट्स जो हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड वाली है उस सब को मुख्तियारकार टेक ओवर कर लिया। और जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया था कि एंटायर प्रॉपर्टीज की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बाद मुख्तियारकार ने एक रिपोर्ट भेजी कि 12 एकड़ जमीन पे 68 घर बने हुए हैं, तो उन घरों का न तो कोई रेंट है न उन घरों का कोई उनके पास टाइटलमेंट है न ही उन घरों का कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तो इसके लिए क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जहां भी टाइटल नहीं है जो इस किस्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको जो है ना मुख्तियारकार अपने पोजीशन में ले। लेकिन हुआ क्या है कि मुख्तियारकार ने इन 68 घरों को जाकर विजिट जब की और उनको उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया। इनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जिस पे तकरीबन 1 करोड़ की लागत की गई है लेकिन सबका रेंट किसी का 1500 है, किसी का 2500 है, किसी का 3000 है। एक ही घर है जिसका रेंट उसने 5000 लिखा है और इसी तरह 63 घरों का जो रेंट उसने बताया है वो 1,86,500 बनाया है और ये रेंट की लिस्ट बना के उन्होंने सेकंड सीनियर सिविल जज के पास उन अमाउंट को जमा करा दिया और ये मुख्तियारकार ने उसका फैसला किया है कि ये जो घर हैं इनकी रेंट इतनी होनी चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 68 घर बने हैं ये एग्रीकल्चर लैंड पे बने हैं, इसकी कोई भी सिकनी नहीं की गई, इसका कोई भी जितने घर बने हुए इनका कोई भी ले आउट प्लान जो होता है जिसको हम हाउस की स्कीम कहते हैं वो नहीं बनी, ना ही इन किसी भी घर का कोई भी नक्शा पास हुआ, एक भी घर का नक्शा पास नहीं हुआ। और लाड़काना के शहर के अंदर 68 घर बन जाते हैं और उनको बिजली भी मिल जाती है, लोग रहने भी लग जाते हैं, लोग उनको रेंट भी देना शुरू कर दिए। ये सारा कुछ बताता है कि क्या इलीगलिटी इस लाड़काना में होती है लेकिन सब खामोश है, इसलिए कि जो घर जिसके कहने पे बने गए हैं वो एक असर उसूक वाला बंदा है। और हमें बताया जाता है कि इंसाफ सबके लिए एक है, कानून सबके लिए बराबर है लेकिन प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि कहां ये जो चीज कही जाती है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है और सब उसके अंदर इक्वल हैं वो कहां है। अगर के एक गरीब बंदा छोटी सी कोई चीज बनाता है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी पहुंच जाते हैं, रेवेन्यू वाले भी बोल जाते हैं
कि ये आपने जो है ना अपनी जो घर है उसको एक्सटेंशन किया है, लेकिन ये जो 68 घर बन गए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक बताया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में भी उनकी रिविजन्स की है, जिसकी मैं ये दिखाना पसंद करता हूं कि ये है वो लिस्ट, ये है वो लिस्ट जिसमें 63 घरों का उन्होंने बताया है। तो ये है हमारे इलाके में कानूनी हिसाब।